भी मजबूत है हमारा और लोग भी संतुष्ट है भूपेश बघेल की सरकार से। और मुझे ऐसा लगता है फीडबैक मिला है, यूथ कितना संतुष्ट है आपके संगठन से और सरकार से? बिल्कुल, संगठन भी मजबूत है हमारा और लोग भी संतुष्ट है भूपेश बघेल की सरकार से। और मुझे ऐसा लगता है, लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूथ अपने जो यूथ कार्यकर्ता हैं वो कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संतुष्ट है। सभी विधानसभा अध्यक्ष उस मीटिंग में उपस्थित थे, जिला अध्यक्ष उपस्थित थे, प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग उपस्थित थे और लोकल यूथ कांग्रेस के साथी भी उपस्थित थे। MLA खुद उपस्थित थे मेरी पुरानी बैठक में और इससे जो पीछे वाली बैठक रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो एक रूमर्स फैलाया जा रहा है कि हाँ संगठन के अंदर आपसी जो है गुस्सा है या कुछ है। रूमर कौन फैला रहा है सर? रूमर सर हम नहीं कह सकते भी कौन फैला रहा है, बीजेपी वाले भी फैला सकते हैं। बीजेपी साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है, बीजेपी का काम क्या है? यही तो है, कभी उनको गांधी परिवार से दिक्कत होती है तो कभी उनको भूपेश बघेल और TS बाबा के बीच में से दिक्कत होती है, कभी यूथ कांग्रेस के साथ। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि कांग्रेस एक है, यूथ कांग्रेस एक है और हम सरकार बनाने फिर से जा रहे हैं। लेकिन सर जब बीजेपी हमला करती है सोशल मीडिया में तो आपके यहाँ से काउंटर नहीं होता? सर हमारा काम ये काउंटर करना नहीं, सोशल मीडिया पर काउंटर करना नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल में देश में आजादी दिलाई है और इस देश की बेबुनियाद को मजबूत किया है। हमारे को किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्या कार्यकर्ता किया है। तो बीजेपी का काम है सर ये, हम बीजेपी की पॉलिसीज पे नहीं जा सकते कि वो हमारे साथ बैठ कर हमारे कार्यकर्ता फेसबुक पे। हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं, फेसबुक पे नहीं रहते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी और कहा गया था कि सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है सारे लोगों का। एक्टिव इस करके क्योंकि जमाना आप समझिए ना, सोशल मीडिया का जमाना है, हमें कनेक्टेड लोगों के साथ। लेकिन आपने कहा कि सोशल मीडिया में हमको ज्यादा वो नहीं करना है, काउंटर नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ काउंटर नहीं करना है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, ये मैं जरूर कह रहा हूँ क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का आ गया। अच्छा, कई कार्यकर्ताओं से आपकी बात हुई, क्या कुछ फीडबैक मिला? मतलब बिल्कुल तैयार है, मैं फिर कह रहा हूँ, बेबाक तरीके से कह रहा हूँ, हम लोग तैयार है और हम पुनः एक बार सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ में एक मैसेज देने जा रहे हैं कि कांग्रेस पुनः सरकार बना। ठीक है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं कि उनके एनजीओ के जांच में, आप ही के विधानसभा के अध्यक्ष? कौन से विधानसभा के? कुनकुरी विधानसभा के अध्यक्ष। क्या क्या इन्होंने कुनकुरी विधायक के एनजीओ के खिलाफ जांच की मांग कलेक्टर से की है? हाँ, तो उसमें विधायक का क्या है? तो विधायक के एनजीओ उन्हीं का तो आरोप है, तो जब वो खुद मोर्चा विधायक आज क्यों नहीं आया कार्यक्रम में? आना था सब विधायक जी, सुबह मेरी बात हुई और वो थोड़ा आज व्यस्त है किसी कारण। मैं उनको अभी इसी बैठक में, हाँ इसी बैठक के बाद मैं उनको एक बार फिर कॉल करके मैं रुकूंगा यहाँ पर, उनसे मिलते ही जाऊँगा। थैंक यू। मैं वहाँ पर युवाओं के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 15 साल जब तक उनकी सरकार उनको रोजगार नहीं देता हम उनको आर्थिक मदद देंगे। सर बेरोजगारी भत्ता देना ज़्यादा जरूरी है? बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत नहीं आए, लोगों को रोजगार मिल जाए ज़्यादा जरूरी है? कि मैं फिर कह रहा हूँ केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें मिलकर इसका फैसला। रोजगार तो राज्य सरकार नहीं दे सकती है सर? नहीं, राज्य सरकार दे सकती है, पर केंद्र की आप केंद्र को नहीं भूल सकते ना सर। राज्य सरकार अपने लेवल पे दे सकती है, जितना उनका बजट है या जितना वो, पर केंद्र सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसमें अहम भूमिका रहती है। हमें मुझे लगता है कि हमें शायद आपस में मिलकर ही ये देश के युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए सोचना। कुछ महीने के बाद चुनाव है यहाँ पर, हम युवाओं के पास क्या इशू लेकर गए? मैं फिर कह रहा हूँ युवा आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप खुद युवाओं से पूछ लीजिए। हम मुझे जहाँ तक मैंने दौरा किया युवा संतुष्ट हैं सरकार से, कोई ऐसी बात नहीं है। युवाओं को एक अच्छा माहौल मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है माहौल बहुत अच्छा मिलना जरूरी है युवाओं को। युवाओं को माहौल मिल रहा है तो वो खुश हैं मेरे हिसाब से। तो मैं अभी रायगढ़ में हूँ, जिला जशपुर में भी मैंने दौरा करा, मुझे लगता है कि वो खुश हैं। बाकी जो और युवाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, हम खुद बैठक कर रहे हैं, इसमें आम युवा है ये बैठक में, यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ आम युवा भी, और हम सबसे पहले अपने भाषा बात रखने से पहले उनकी सुनने का प्रयास करते हैं कि भैया आप अपनी कोई प्रॉब्लम मत बताइए। और आज भी मैंने पूछा, आज भी एक भी साथी का अगर कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है यहाँ पर जब कोई प्रॉब्लम आई नहीं, इसका मतलब युवा संतुष्ट। सर आपने कहा कि युवा संतुष्ट हैं, लेकिन खबर ये आती है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस को, खुद संतुष्ट नहीं है संघर्ष लोगों से। पता नहीं कहाँ से आपको खबर आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बट मुझे लगता है सारे, देखो कितनी अच्छी मीटिंग है, प्रदेश के सचिव यहाँ खड़े हैं, प्रदेश की महासचिव यहाँ आए, अध्यक्ष यहाँ आए, तो सारे ठीक है। मुझे तो लगता है ऐसा सर, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो कई बार ऐसा हुआ कि जो यहाँ के यूथ कांग्रेस है और यहाँ के जो MLAs हैं लगातार मतलब बयानबाजी होती है,
एक बड़ा घोटाले का आरोप लगाया था माध्यम के लिए, कि मतलब सीधे विधायक पर से टारगेट किया गया था। अब आप कहते हैं आप जानकारी मुझे नहीं, मुझे नहीं जानकारी, मैं सच बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा तो अगर ऐसी बात है तो इस खाई को पाटने के लिए क्या मतलब, खाई तो है ना कुछ, अगर ऐसा होगा विचार विमर्श करेंगे, इसके बैठ के बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई इसमें परिवार है, परिवार में कुछ जहाँ दो बर्तन होते हैं खड़क जाते हैं, इसमें परिवार का मसला, इसको बैठ कर बात करेंगे। तो ये हमारे साथ थे आशीष गजनवी जी, जो लोकसभा के ये प्रभारी हैं कांग्रेस में। इनका कहना है कि युवा संतुष्ट हैं, युवाओं में उत्साह है, और युवाओं के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को लेकर के जो चुनाव है, इलेक्शन है, उसमें जाएंगे, और इस बार भी उन्हें उसी तरह सफलता मिलेगी जैसे 2018 में मिली थी। दोबारा देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल बुनियादी चौपाल। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।